अब ठीक है। ओके चलो रिकॉर्डिंग भी शुरुआत हो गई। तो राजेश वेलकम। थैंक यू सर। अच्छा जो लोग राजेश को नहीं जानते मैं कुछ ब्रीफ है मेरे पास लिखा मोटा मोटा मगर मैं राजेश ही बताएगा। PHU से पास आउट है, झारखंड का रहने वाला है, नेशनल अवॉर्डेड फोटोग्राफर है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। फोटोग्राफ का नाम है मतलब अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ द किल करके फोटोग्राफ है जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, वो बात करेंगे हम। और नेशनल ज्योग्राफी और बहुत से फिल्मों में इन्होंने काम किया हुआ है, अलग अलग चीजों में मतलब इन्वॉल्व रहते हैं। तो आज मैं बस थोड़ा सा ब्रीफ ली आधा घंटा 45 मिनट राजेश से बात करूंगा। तो राजेश कैसा चल रहा है लॉकडाउन, सबसे पहले ये तो बताओ। सर लॉकडाउन का मैं बताऊं तो मेरे लिए तो ठीक है, क्योंकि बीइंग अ फोटोग्राफर जब मैं प्रोजेक्ट करके आता हूं तो उन काम को देखना भी जरूरी है। तो ये एक बड़ा अच्छा समय मुझे मिला है कि मैं अपने काम को देख पा रहा हूँ इत्मीनान से। फिर उनको सीरीज में कन्वर्ट करना, लिखना, एडिटिंग, ये भी एक पार्ट है फोटोग्राफी का। तो इस लॉकडाउन में मेरा सिर्फ एडिटिंग, राइटिंग, यही सारी चीजें चल रही है, मतलब टाइम का एक अच्छा यूज हो रहा है। ओके विंसा, अपना मतलब जो काम है उसको फिर से रिवाइज कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, यही सारी चीजें कर रहे हो अभी? हाँ, क्या होता है कि जब मतलब जैसे मैं किसी प्रोजेक्ट में निकलता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि झारखंड, बिहार, बंगाल ऐसा करके एक बार निकलूं और कुछ ये दो तीन प्रोजेक्ट करके फिर वापस घर पे आऊं। फिर कभी होता है कि आप घर पे आए दो दिन के बाद फिर आपको कहीं बाहर जाना होता है तो वो फोटोग्राफ आप देख नहीं पाते, वो चीजें वैसी पड़ी रह जाती हैं। तो अभी मेरे पास ये 4 TB है डाटा जिसको मैंने देखा नहीं था और वो बैठ के मैं अभी देख रहा हूँ। चलो अच्छा है। अच्छा एक बात बताओ राजेश, BHU का सफर कैसा रहा? मतलब बहुत लोगों को अगर पता नहीं हो तो हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना? उसका एंट्रांस भी बहुत टफ होता है, बहुत इजी नहीं है BHU में, है ना? BHU में जाने के बाद तुमने अप्लाइड क्या है मतलब तुम्हारा सब्जेक्ट? अप्लाइड आर्ट। हाँ अप्लाइड आर्ट। अप्लाइड आर्ट क्यों चूज किया? मतलब BHU जाते हैं डॉक्टर बनने, मतलब या तो पॉलिटिशियन बनने जाते हैं, तो तुमने अप्लाइड आर्ट को, आर्ट में डेफिनेटली BHU बहुत आगे है, तो अप्लाइड आर्ट ही क्यों चूज किया तुमने? सर अगर मैं सही बताऊं तो मतलब BHU जाने से पहले मेरा जो मन था कि मैं मूर्ति कला करूं, मतलब स्कल्पचर बनूं। इससे पहले जब मैं बोकारो में था तो मेरे सीनियर थे मिथिलेश राणा एंड और एक सर थे उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो इनके साथ में रह के ना स्कल्पचर सीखता था और जिनसे मैं स्केचिंग वगैरह सीखता था लक्ष्मी नारायण नायक सर, वो पेंटिंग वगैरह सिखाते थे तो पेंटिंग मुझे आती थी। जो मेरे सीनियर थे बोकारो में उनसे थोड़ा बहुत स्कल्पचर सीख गया। जब मैं पहली बार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गया, एडमिशन लिया, तो मैं पहली बार रूबरू हुआ कि अप्लाइड आर्ट मतलब मार्केटिंग की भी पढ़ाई होती है, जिसको हम साबुन का जो रैपर देखते हैं। मुझे लगा कि यार ये क्या, इसकी पढ़ाई होती है, ये तो बड़ा मतलब मजेदार चीज है। और उस समय कॉलेज में कंप्यूटर नहीं होता था और हॉस्टल में कुछ सीनियर के पास था कंप्यूटर, तो जब फर्स्ट टाइम फोटोशॉप पे जब फोटो के साथ कुछ ऐसा एडिट वगैरह करके पोस्टर वोस्टर बनाए तो लगा यार ये तो वो पत्थर काटने और ये इससे थोड़ा आसान लग रहा मुझे। और इसे मतलब आसान की बात नहीं है, सारे फील्ड में मेहनत लगती है, बट उसमें मुझे मजा आने लगा, फोटो के साथ खेलना, लाइट को समझना, प्लस एडिटिंग का पार्ट, ये सारी चीजें। तो इसलिए मुझे लगा कि सेकेंड ईयर में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में आप फाउंडेशन कोर्स होता है जिसमें 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और सेकेंड ईयर में आपको एक सब्जेक्ट लेना होता, तो फिर मैंने अप्लाइड आर्ट चूज करा। और उस समय जो वहां पे टीचर थे प्रोफेसर विजय सिंह, उस सर के ड्रॉइंग से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। वो जो ड्रॉइंग थे छोटे छोटे डॉट से 6-6 फीट के बड़े बड़े ड्रॉइंग्स,
और वो इतने शानदार थे कि मुझे लगा कि नहीं अब मैं मुझे बस अप्लाइड आर्ट ही करना है। ओके तो वहां पे मतलब तुम्हारा मतलब जो विजन जो है बहुत ब्रॉड हो गया कह सकते हैं कि पहले जो नजरिया था चीजों को देखने का वहां पे सीनियर हम जूनियर टीचर्स जैसे जैसे लोगों के साथ मिलता गया वैसे वैसे चीजें और समझ में आती गई। तो अप्लाइड आर्ट्स में तुमने मतलब स्पेशलिटी क्या में की फोटोग्राफी में? नहीं फोटोग्राफी ऑप्शनल था और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो कैंपेन प्लान एंड मतलब उसको कह सकते एडवर्टाइजिंग है। ओके हाँ किसी प्रोडक्ट का कैंपेन वगैरह तैयार करना पोस्टर वगैरह। ओके एक बार बताओ कि तुम्हें नेशनल अवार्ड किस एज में मिला पहली बार? वो मैं बीएफए सेकेंड ईयर में था और 20 लगकर 20 खत्म होकर और 21 लगा था। ओके जनवरी में बर्थडे है और 21 मार्च को वो जो ऑल इंडिया नेशनल था वो मिला। और मेरे एक सीनियर है धर्मेंद्र नाम है उनका, धर्मेंद्र कुमार सिंह, वो लखनऊ में ही अकाडमी में काम करते थे तो उनका फोन आया हॉस्टल में, मेरे पास फोन होता नहीं था। एक सीनियर थे विष्णु, उनके पास फोन आया तो उन्होंने बताया कि इस लड़के को ऑल इंडिया नेशनल मिला, कौन है ये? और मुझे कोई जानता भी नहीं था, मैं बिल्कुल पतला दुबला काला सा झारखंड का रहने वाला पहली बार घर से बाहर निकला था तो मैं अपना शांत अकेला पड़ा रहता था। जब सीनियर आकर बताया कि तुम्हें तो बहुत बड़ा अवार्ड मिला, ये ऑल इंडिया नेशनल है, तो मुझे लगा हाँ ठीक है मिला होगा। फिर मैं अपने टीचर से जाकर बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये ऑल इंडिया ऐसा अवार्ड मिला, तो सर बहुत खुश हुए। सर ने बताया कि ये मुझे 1975 में मिला था जब मैं मास्टर डिग्री में था 1975 में, एंड यू आर द फर्स्ट एंड यंगेस्ट आर्टिस्ट जिसको इतनी कम उम्र में इतना बड़ा सम्मान मिला। तो मुझे Means लगा इंडिया कि सबसे यंगेस्ट आर्टिस्ट हो तुम जिसको मतलब नेशनल अवार्ड मिला कह सकते हैं। और वो क्या काम के लिए तुमको मिला था स्पेशली? वो एक ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग थी जिसमें एक कुत्ता ठंड में सिकुड़ कर सोया हुआ है। तो वो ड्राइंग मींस हैंड ड्राइंग थी या हैंड ड्राइंग? ओके ओके हैंड ड्राइंग उसको हम लोग कहते हैं ब्रश स्ट्रोक या फिर चाइनीज इंक से वो डॉट 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 करके या छोटे छोटे लाइन से हम, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो जैसे कुत्ता सोया हुआ तो उसके जो बाल थे उसी के मूवमेंट में वो बाल चला चला कर मैंने वो ड्राइंग क्रिएट करा था। और ये काफी मेहनत का काम है, बड़ा पेशेंस रखना होता है आपको टोन में, फिर वो एरिया को आपको छोटे छोटे लाइन से धीरे 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 आपको ब्लैक करना है, संयम चाहिए थोड़ा। तो क्या इसको किसी कंपटीशन में भेजा था या मतलब वो यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट करते हैं, क्या होता है ऐसा, इसका प्रोसीजर क्या होता है? ये जो लखनऊ ललित कला अकादमी है ये 3 साल पर ये कंपटीशन ये अनाउंस करती है, फिर ऑल ओवर इंडिया से सारे आर्टिस्ट अपने अपने काम को वहाँ पे सेंड करते हैं। पहला सिलेक्शन फोटोग्राफ का होता है, फिर दूसरा जूरी जो अवार्ड का सिलेक्शन करती है। ओके चलो बहुत अच्छी बात है यार। मतलब उसके बाद जैसे बीएचयू पास आउट होने के बाद तुम्हारा सफर क्या रहा, क्या किया तुमने? बीएचयू से पास आउट होने के बाद जब मैं मास्टर डिग्री मैंने जब खत्म करा तो मतलब उस समय तक बीएचयू से किया। और जब मैं मास्टर डिग्री कंप्लीट किया तो उस समय मुझे ये लगा कि यार उस समय तब तक मैं फोटोग्राफी का एडिक्टिव हो चुका था, वो आदत लग चुकी थी, वो तलब लग चुकी थी कि यार ये ना बड़ा अच्छा करनी है। फिर मुझे लगा कि मैं दिल्ली बॉम्बे जैसे बड़े शहर में नहीं जाऊंगा और एड एजेंसीज वगैरह में 9 से 5 की जो नौकरी है वो मुझे पसंद नहीं था, तो मुझे लगा कि मैं इस शहर को डॉक्यूमेंट करूंगा। एक इसके पीछे बड़ा लालच है मेरा क्योंकि अच्छा, बनारस को डॉक्यूमेंट करूंगा। हाँ बनारस शहर को डॉक्यूमेंट करूंगा। ओके क्योंकि जब तक मैं पढ़ रहा था
तो उसके बीच में जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था फोटोग्राफी, जब नेगेटिव फिल्म पे काम कर रहा था एंड उस समय डिजिटल भी आया, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं अपना काम किसको दिखाऊं। ओके और फोटोग्राफी अच्छा लगने लगा था क्योंकि रिजल्ट तुरंत आपको मिल जाता है, आपको चीजें तुरंत समझ में आने लगती, हाँ ये अच्छा है खराब है नहीं है और क्या करना है। तो मैं क्या करता था कि जो बनारस के घाटों पे जो फॉरनर्स आते थे जिनके पास बड़ा कैमरा होता था, तो मुझे लगता था कि यार ये ना बड़ा फोटोग्राफर होगा, तो मैं उनको अपना काम दिखाता था तो इसी दौरान मतलब इसी प्रक्रिया के चलते मैं कुछ बहुत अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आया। लैरी स्नाइडर है, जॉर्ज मैकलमोर है, काफी अच्छे लोग जिन्होंने मुझे समझाया कि जो तुम कर रहे हो दिस इज नॉट फोटोग्राफी, यू आर जस्ट टेकिंग पिक्चर्स, फोटोग्राफी इज बियॉन्ड ऑफ दैट, यू हैव टू डू समथिंग, इसको साइड में रखो। तो मुझे लगा कि यार मैं तो सही कर रहा हूँ अपने लेवल पे, बड़ा अच्छा था, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं ये नहीं है, दिस इज ये पूरी दुनिया खींच रही है, तुम आराम से घर जाओ और सोचो कि बनारस में ऐसा क्या है जो किसी के पास नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे पास होना चाहिए। ग्रेट। फिर मुझे लगा कि यार बड़ा सवाल था बनारस को, मैं मास्टर डिग्री के हॉस्टल में था तो शहर जाना कम होता था, घाटों तक ही सीमित था। फिर मुझे लगा कि ये ना एक चैलेंज है, इसको लेना चाहिए। फिर मैं रिसर्च करना शुरू किया कि यार कि बनारस के सेक्रेट फेस्टिवल्स, कुछ ऐसे प्लेसेस, कुछ मोन्यूमेंट, लोग, फिर चीजें जैसे जैसे मैं करता गया चीजें क्लियर होती गई, और अभी भी बनारस बहुत कुछ बाकी है मेरे लिए। क्योंकि मैंने तुम्हारे बहुत से फोटोग्राफ्स देखे हैं, जो होली के फोटोग्राफ्स वगैरह हैं, फिर जो अघोर के साथ खींचा हुआ फोटोग्राफ है तुम्हारा, है ना, वो मैक्सिमम तुमने बनारस के ऊपर फोकस किया हुआ है उसको। जो होली वाले हैं वो तो वृंदावन के हैं, वृंदावन मथुरा, लेकिन मैं चीजों को इस तरह से देखता हूँ कि जैसे अगर मैं होली पे काम कर रहा हूँ तो मैं होली को तीन चार तरीके से करूंगा। जैसे मैंने बनारस की होली की, वृंदावन की होली करा, फिजिकल हैंडीकैप बच्चों का होली करा, भिजड़ों का होली करा, फिर जो बनारस के शमशान में जो डेड बॉडी आते हैं और उनके साथ जो लोग होली खेलते हैं, ये डॉक्यूमेंट किया। तो मेरे पास पांच अलग अलग तरह की होली है उसी शहर से। अच्छा, मींस डेड बॉडी के साथ भी होली खेली जाती है। हाँ, ये एकादशी जिस दिन रंग भरी एकादशी होती है, तो शमशान में जितने डेड बॉडीज होते हैं तो वहां पे मानना है कि जो आप पहला रंग डालते हैं वो शिव को डालते हैं, और शिव मतलब महाकाल, महाकाल मतलब मृत्यु। Okay. तो वो सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, तो बोलते हैं कि मृत्यु भी आनंद है, मृत्यु भी एक उत्सव है। ओके ओके। अच्छा, अभी तक राजेश को कौन कौन सा अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड? सर ये गिना पाना तो बड़ा मुश्किल होगा। इसके बाद मतलब कुछ बहुत बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, फोटोग्राफ्स इंटरनेशनल म्यूजियम्स में भी सिलेक्ट हुए हैं, राइट? वो कौन कौन से म्यूजियम है? उसमें है क्राफ्ट है, इटालियन म्यूजियम है, फिर अभी अपर्चर गैलरी है जिसमें लेंस कल्चर के विनर्स का एग्जीबिशन हुआ था, फिर 35 अवार्ड है, अर्बन स्ट्रीट फोटोग्राफर अवार्ड है, वेलकम फोटो प्राइज है, ऐसे ही बहुत सारे हैं जो मतलब याद नहीं, वो बायोडाटा में लिखे हुए हैं, वो टाइम टू टाइम बायोडाटा में लिखने के लिए आता है। जितने लोग देख रहे हैं, आप जब ये वीडियो फाइनल आएगा तो आप, मैं वो अवार्ड्स के नाम लिख दूंगा इस पे, तो आप देख सकते हैं। और अभी राजेश फिलहाल किस प्रोजेक्ट पे मतलब इन्वॉल्व होके काम कर रहे हो? अभी का जो रिसेंट प्रोजेक्ट है ये अभी जो इसको कह सकता हूँ कि बनारस में जो लोग डेड बॉडीज के साथ आते हैं, नॉट डेथ, डेड पार्ट मैंने कुछ काम किया है अभी, उसको मैं टच नहीं कर रहा। तो जो लोग बॉडी के साथ आते हैं उनका जो एक्सप्रेशन होता है घाटों पर, वो आप जब बनारस के अलावा किसी शमशान पर जाएंगे तो वो बिल्कुल सैड खड़े रहेंगे, वो थोड़ा परेशान रहेंगे, बट बनारस एक ऐसा शहर है कि वो आपको
महसूस नहीं हुआ कि आप शमशान पर खड़े हैं, वो हंस रहे हैं, चाय पी रहे हैं, देन सेलिब्रेट, वो जोक कर रहे हैं, कुछ उसमें सीरियस भी हैं, तो इनके फोटोग्राफ। फिर और जो मेरा प्रोजेक्ट है कि जो लोग डेड बॉडी के साथ आ रहे हैं, आते हैं, जो वो राम नाम शब्द साउट करते हैं, तो उनके एक्सप्रेशंस में अभी कैच कर, वो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, वो जब वो मूवमेंट गलियों में, उनका क्लोजअप, उनका वाइड, ये ये सारी चीजें अभी कैप्चर कर रहे हो धीरे धीरे। कुछ अभी किया हुआ है और अभी कुछ और करूंगा। अभी तुमने रिसेंटली एक फिल्म भी एज एन डीओपी किया जो झारखंड में, मतलब श्रीराम के साथ किया, राइट? वो फिल्म के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? भले माँ बालेमा फिल्म फर्स्ट फिल्म थी एज अ डीओपी, पहली फिल्म, और सबसे मजेदार उस फिल्म की। फीस्ट ऑफ बनारस में एज एन असिस्टेंट भी काम किया है, राइट? हाँ, फीस्ट ऑफ वाराणसी में उसमें सेकंड यूनिट कैमरामैन एंड असिस्टेंट डायरेक्टर, और जो ये तो बालेमा अभी फिल्म के लिए एक्लेम्ड फिल्म है, फीस्ट ऑफ बनारस। काफी काफी अच्छा काम उसमें आदिल सर हैं, तनिष्ठा मैम हैं, होली गिलबर्ट है, जूडी जो हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, जूडी, वो है, अश्वथ है। हाँ, असद असद सर हैं, असद भट्ट। चलो, बलेमा से पहले मैं ये जानना चाहूंगा, फीस्ट ऑफ बनारस का मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा तुम्हारा, मतलब क्योंकि एकदम प्रोफेशनल क्रू है ना, उनके साथ काम करना कैसा रहा? उस समय मुझे सिनेमा का कुछ पता नहीं था, मैं पहली बार इतना बड़ा कैमरा देख रहा था, एरी एलेक्सा, लाइफ में पहली बार। और मतलब जो कैमरा अटेंडेंट आए थे, तो मैं उनसे पूछा कि मतलब ये चलता कैसे है, तो उन्होंने बताया कि ये यहाँ से ऑन होता है और इसको चलाने के लिए कम से कम 3 लोग चाहिए। मैं बोला यार बड़ा मजेदार है। मैं पूछा कि फोकस वगैरह ऑटोमेटिक है, बोलते नहीं, इनका फोकस जो है एक फोकस पुलर होता है। और मैं बड़ा हैरान रहा कि जो फोकस पुलर था वो बिना देखे ही फोकस कैसे पुल कर रहा है। हाँ वो ट्रॉली पे बैठा है, कैमरा आगे जा रहा, वो अपना मोबाइल भी देख रहा, वो रिंग ऐसा घुमा रहा। वो मेरे लिए सबसे शॉकिंग मोमेंट था कि वो हाउ ही इज मेजरिंग डिस्टेंस। अपना मतलब सोशल मीडिया भी देख रहा होगा, फोकस भी कर रहा है। हाँ, मतलब मैं बिल्कुल अमेज था, वो देख रहा कि हाँ 2 फिट पे गया, 2 फिट पे फोकस कर दिया। मैं उनसे पूछा बाद में कि मतलब सर ये कैसे करते हो, क्योंकि मैं भी फोटो वोटो खींचता हूँ, तो मतलब मैनुअल मिलाने में तो सब्जेक्ट भाग जाता। तो उन्होंने बताया कि देखो इसका मेजरमेंट है, ये जो रिंग पे जो नंबर्स हैं इसको हम कन्वर्ट करते हैं फिट में, तो मैं फिट और ये रिंग इसको यहाँ पे रखना होगा, चीजें याद रखनी होगी, तब तुम फोकस कर सकते हो। मैं बोला कि वो ठीक है, मैं चलो ये समझ गया। मैं बोला मूवमेंट में आपका फोकस कैसे आप मेजर करते मतलब हो, कंसंट्रेशन कैसे रहता है? हाँ, वो कैसे कंटेंट फोकस है कि आपका मूवमेंट में भी आप एकदम कंटिन्यूअस फोकस पे, कैमरा भी हिल रहा है, ये सारा। बोला कि दिस इज द प्रैक्टिस, व्हेन यू नो एवरीथिंग फिर आपके लिए आसान हो जाएंगी चीजें। आप पहली बार वो कर रहे हो तो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही। जबकि बहुत ही डेलिकेट चीज है कि आपका हल्का बहुत सा स्लो हो जाना या हल्का सा फास्ट हो जाना मीन्स आपको सीन फिर से रिपीट करना पड़ेगा। हाँ, और मुझे याद है कि मुझे नहीं लगता कि फोकस के कारण एक भी बार रीटेक हुआ होगा। मैं बिल्कुल अमेज था, मैं पहली बार बिल्कुल अमेज था, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं घर आके सोचता था कि कहाँ था, बाहर से था या इंडिया से ही था? नहीं, वो इंडिया के थे, जो डीओपी थे वो बाहर के थे, जेम्स स्पेनल वो हॉलीवुड के कैमरामैन थे, और जो फोकस कूलर थे अजय सक्सेना वो इंडिया के थे। ओके। मीन्स लर्निंग कैसा रहा, मतलब उन लोग के साथ काम करने पे? सर मैं सच बताऊं तो उस समय ना मुझे लाइट से प्यार हो गया। सही बताऊं मतलब मैं तस्वीरें खींचता था, अच्छी आती थी, बाहर जब मैं उसको मॉनिटर पे देखता था डायरेक्टर के साथ, तो मुझे लगता था यार चीजें बिल्कुल बदल गई, क्या कमाली, इसको तो मैं अपने फोटो में भी यूज कर सकता हूँ। तो वहां से वो जो एक्सपीरियंस था वो वाव फैक्टर था, मतलब लगा कि यार। और उस फिल्म से बहुत कुछ सीखा, डायरेक्शन, टाइमिंग, कैमरा एंगल, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, बहुत सारे। ग्रेट ग्रेट।
और उसका उसका जब आप करके जब बलेमा करने आया एज ए इंडिपेंडेंट डीओपी, तो क्या क्या एक्सपीरियंस क्या क्या रहा, कैसा रहा? बालेमा का एक्सपीरियंस ठीक था, मतलब छोटी यूनिट थी और इस कैमरे में हमारे पास उतने बजट नहीं थे, तो बिना लाइट के और सिंगल कैमरे से मैंने वो फिल्म शूट किया है, और सिर्फ एक लेंस 24-120। ओके और एक बात बताओ, जैसे अब बहुत से लोग आते हैं जो नए फोटोग्राफर, क्योंकि तुम्हारा एक लेवल का अचीवमेंट रहा है और बहुत भी होगा, बहुत लोग हैं जो बहुत सीनियर हैं जो तुमने अचीव किया है वो अभी भी करने के लिए सोचते हैं, और नए लोगों के लिए तो ये फ्रेश ही है, तो एज एन आर्टिस्ट तुम उनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? सर मैं खुद अभी सीख रहा हूँ तो लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अगर आपके पास आपकी चीजें अगर क्लियर है, आपको पता है कि आपने लाइफ में ये करना है, अपने लाइफ में ये करना है, अपने लाइफ में ये करना है, आपको ना दिक्कत आएगी ना आपको परेशानी आएगी, और अचीवमेंट भी क्या होता है कि जहां से आप मेहनत करते हैं चीजें आपको वहीं से मिलने लगती है। तो मेरा क्लियर था कि मैं इस शहर पे काम करूंगा, मैंने आंख बंद करके इस शहर पे काम करा और चीजें मुझे उसी शहर से मिली और भरपूर मिली, जो मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो मैं यूथ को यही बोलूंगा जो मेरे उम्र के हैं, मुझसे छोटे हैं या फिर जो भी है, उनको यही बोलना चाहूंगा कि आप क्लियर होइए कि आपने करना क्या है। आप इंस्टाग्राम फेसबुक या कहीं पे भी आप ना डाइवर्ट मत हो कि वो बहुत अच्छा खींचता है तो आप दो दिन उसके तरह काम करा, किसी और फोटोग्राफर का आपने कुछ काम देखा तो आपने उसके तरह खींचे। आपका अपना इंडिविजुअल वैल्यू कहीं पर नहीं बनेगा। एग्जैक्टली अपना एक आपको मतलब आपको सोचना होगा कि आपका जो बेस्ट क्वालिटी क्या है, आप इसमें सबसे बेहतर कर सकते हैं। और जो बोलते हैं कि स्टाइल 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 कुछ नहीं होता, स्टाइल वगैरह ये कुछ भी नहीं होता। अगर मैं अगर बात करूं कि अगर सर मैंने 100 फोटो खींचे एक मेले के अंदर जाकर, मैंने 100 फोटो खींचा और सब में मैंने लोगों के गर्दन उड़ा दिए, वो 100 फोटो जहां एक झूठ होगा वो कोई भी देखकर बता सकता है ये वो फोटोग्राफर जिसने वो मुंडी काटा था, स्टाइल तो बन गया, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो मैं एक यही सजेस्ट करूंगा कि आप सबको देखिए, सबसे सीखिए, खूब पढ़िए और सबकी अच्छी चीजें लाकर अपने प्रोडक्ट को ना उसमें जान फूकिए। एग्जैक्टली मीन्स हर जगह से ऑब्जर्व करो और एट द एंड अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाओ और अपनी स्टाइल में पहुंचाओ। हाँ, और दूसरा जो सबसे बड़ा चीज है कि इंस्टाग्राम पे स्टक मत होइए। इंस्टाग्राम इज नॉट अ बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर योर वर्क, ठीक है वो आपकी गैलरी, आप लोगों को काम दिखाइए, बट इसके बाद जो असल दुनिया है वो इसके बाद है, गैलरी है, म्यूजियम्स है, बायर्स है, आर्ट बायर है। हेलो, हाँ हाँ आ रही आवाज, आ रही आ रही। बस सर एक छोटा सा सजेशन यही है कि आप मतलब देखिए, पढ़िए, समझिए एंड उसको अप्लाई करिए। एग्जैक्टली अभी अभी राजेश का मतलब एज एन आर्टिस्ट फोकस सिटी कौन है, बनारस ही है या कोई और सिटी को भी फोकस कर रहे हो? अभी सर बनारस और दिल्ली कह सकते हैं, अभी दिल्ली पे कुछ काम स्टार्ट किया, मैं दिल्ली पे 2 साल के बाद काम स्टार्ट किया। ओके okay. मतलब कैमरा लेकर घूमता था, मैं देखा समझा, अब मैं इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। ओके कितने साल हो गए अभी दिल्ली रहते हुए तुमको? दिल्ली मुझे 4 साल होने को है। तो अब दिल्ली के कुछ अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स हमें देखने को मिलेंगे। सर कोशिश करूंगा। अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो कि नहीं? नहीं, मैं 2017 में ही छोड़ दिया था जॉब। आर्टिस्ट कहीं ना कहीं वो खुद भी नहीं चाहता कि वो कहीं पे भी फंसे, है ना, वो इजीली मतलब फ्री होके मतलब फ्री माइंडेडली काम करना चाहता है, ये मतलब ये मैक्सिमम आर्टिस्टों की क्वालिटी है ना।
और बस मैं यही अभी तुमको मुझे दो तीन चीजें हैं, जैसे अभी देश में बहुत सी चीजों का या ग्लोबल सिनेरियो में चल रहा है, क्या लगता है कि अब लॉकडाउन खुलने के बाद एज एन आर्टिस्ट मैं सबसे पूछता हूँ एज एन ह्यूमन बीइंग कि ग्लोबल क्राइसिस क्या होने वाला है, और राजेश को क्या लगता है कि मतलब एज एन इंडिविजुअल एज एन कंट्री हर कोई जहां पे भी है ग्लोबल सिनेरियो में क्या करना चाहिए कि मतलब इस बिगेस्ट क्राइसिस को हम लोग अच्छी तरह से फाइट कर पाए। इसके लिए तो मैं तो यही बोलूंगा कि मतलब जहां पे भी हैं आप, जिस स्थिति में हैं, देश के लिए खड़े रहिए, जो पॉसिबल चीजें हैं आप वो करिए। लेकिन जो आर्थिक मंदी और आर्थिक इसका अगर मैं समझता हूँ तो आर्ट पे इसका तो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि पैसे नहीं होने के कारण आपको इन्वेस्टर नहीं मिलेंगे, चीजों में कमी आएगी, तो थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। आज आज मैंने न्यूज देखा कि रिलायंस जैसे कंपनियों ने अभी एक न्यूज आया जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर 15 लाख से ऊपर जिनकी सैलरी है 10% कटेगी, उससे ज्यादा भी है तो 50% भी सैलरी वो ट्रिम करने वाले हैं। तो ये एक बड़ा संकेत है आर्थिक मंदी का, इसको एक बड़ा संकेत मान सकते हैं। ग्लोबल सिनेरियो में तुमको भी लग रहा है कि मतलब कुछ बहुत बड़ा मतलब एक बार हलचल तो होगा? हलचल तो होगा सर, और इसका एक बड़ा अच्छा बेनिफिट भी है। क्या होता है कि जब आपको आगे निकलना होता है ना तेजी से, तो आप पहले बैकफुट पर आते हैं, तो ये भी होना जरूरी है मुझे लगता है, एक रिफ्रेशमेंट भी चाहिए। एक बार सारे लोग अपने आप को भी मतलब देख लें, बैकफुट पे आ जाएं, फिर से वो एक नई तैयारी करें। बिल्कुल, क्या होता है कि जैसे आपने गुलेल देखा होगा ना, वो खींचता है पहले आता है, फिर वो बड़ा तेजी से आगे निकलता है। एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा एग्जांपल बोला यार तुमने, बड़ा अच्छा एग्जांपल है सही में। तो ये जरूरी है थोड़ा, लेकिन मैं चाहूंगा कि चीजें जल्दी सही हो जाएं, बहुत खराब होने से पहले, मतलब इतना भी खराब ना हो कि हम संभलना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। लेकिन मैं इसको एक पॉजिटिव वे में मतलब आप कह सकते कि लेना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास काम नहीं रहेगा तो आप काम के लिए भागेंगे, आप काम के लिए परेशान होंगे, आप दुगनी एनर्जी से मेहनत करेंगे। अभी आई थिंक एक फिल्म का पोस्टर तुमने खींचा है, द लास्ट कलर, है ना, वो बहुत से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में है वो, है ना, उसके बारे में कुछ जानना चाहूंगा। मोर देन 24 फिल्म फेस्टिवल्स में गई वो। उस पोस्टर में एक अजीब सी कशिश है, है ना, तो मुझे ये बताओ कि कैसे मतलब इंस्पायर हुए उस तरह के फोटोग्राफ्स को लेने के लिए और पोस्टर के लिए? जब हम लोग काम कर रहे थे, मैं और विकास सर, हम लोग इस प्रोजेक्ट पे, तो सर का था कि यार कवर के लिए ना एक फोटो चाहिए, कवर के लिए एक फोटो चाहिए। तो मैं बोला कि सर आप वृंदावन की होली देखते हो? तो सर ने बोला नहीं। मैं बोला एक बात आप चलिए, तो मैं उनको वृंदावन ले गया, उनको वृंदावन की होली दिखाया। मैं बोला सर फोटोग्राफ बुक का ना यहाँ से आना चाहिए। तो बोले यार ये सही बात है, पक्की बात है, कलर है, रंग है। फिर मैं वहां पे कुछ तस्वीरें खींची, तो सर ने बोला कि यार ये नहीं, हम लोग फिल्म से निकालेंगे। तो नीना मैम उस समय, नीना मैम बस सेट पे ऐसे ही हम लोगों से मिलने आई थी। Okay. तो हाँ, सर ने फटाफट ऐसा, उस समय ऐसा कुछ था नहीं, मतलब हम लोगों ने क्या उसको बोलेंगे कि मतलब एकदम प्रिपेयर नहीं थे कि ऐसा सूट वूट करना। सर ने बोला कि नीना मैम का ऐसा सा क्लोजअप है, फिर सारी चीजें तैयार हुई और वहां से फिर वो पोस्टर निकल गया। वो पोस्टर बहुत ही अच्छा है। चलो एनीवेज राजेश, थैंक यू तुम्हारे टाइम के लिए, और मैं तुम्हारे काम को देखकर खुद भी इंस्पायर होते रहता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे जब भी कोई भी काम शेयर करते हो, है ना, तो मैं बस उम्मीद करता हूँ ये लॉकडाउन अच्छी तरह से खुले, हम सब स्वस्थ रहें, है ना, हमारे परिवार वाले, हमारे समाज वाले स्वस्थ रहें, और जल्द से जल्द फिर से एक बार काम का स्पीड बढ़े और बहुत से तुम्हारे अच्छे काम को हमें देखने को मौका मिले, बहुत से अवार्ड्स मिले, और मतलब बहुत सारी तुमको अचीवमेंट्स जो डिजर्विंग और अनएक्सपेक्टेड सारी चीजें तुमको तुम्हारे जीवन में मिले। थैंक यू सर, तो लव यू भाई, फिर जल्दी बात करते हैं, है ना, थैंक यू, थैंक यू सर।